क्वेश्चन वन एक्सरसाइज 6.4 टेंथ क्लास मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। तो बीसी कैलकुलेट करनी है। लो जी, मैंने जहां भी स्टेटमेंट लिख दी है, ये दो ट्रायंगल बना लिए हैं। और ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ जहां लिखा भी हुआ है, फिर एरिया होने इसने एरिया ट्रायंगल एबीसी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, एरिया ट्रायंगल डीईएफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, और जो साइड ईएफ भी दी है कितनी है 15.4 सेंटीमीटर। जो डिमेंशन दी है ना उसे लिख लो। अब मुझे पता है कि ये अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी जो रेशियो है ट्रायंगल्स की रेशियो साइड्स की रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है। एरिया ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू बीसी। इतने पहले आ लिखना जरूरी है, फिर ऐसे रीजन भी आप लिख सकते हैं। वह थ्योरम जो हमने पढ़ी वो सारी जहां लिखनी चाहिए। कौन सी थ्योरम है आज मैं नीचे लिखा, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जहां भी लिखना चाहिए ऐसे लिख लेना। तो ये बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर बन गया। ये एरिया 64 है, 64 बटा 121 बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर ये बन गया 8 का स्क्वायर। 64 11 का स्क्वायर 121 होता है, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लेना है ना। ये आ गया बीसी बटा ईएफ का होल स्क्वायर। अब ये बीसी बटा इसको मैं इस साइड से लिख इधर ले आया, लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईएफ कितना 15.4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 बटा 11 का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्टेप आ गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 कट जाएगा। बीसी बटा 15.4 इक्वल टू 8 बटा 11। बीसी आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 15.4 बटा 11। 15.4 ऊपर चल जाएगा न्यूमरेटर में। अब कट दो 11 के टेबल से, 11 एकम 11 पॉइंट लग जाना, 11 चौक 44 1.4 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौका 32 8 3 11 11.2 सेंटीमीटर बीसी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबी पैरेलल डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ एबी 2CD फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एओबी एंड सीओडी। लो जहां भी स्टेटमेंट लिखी हुई है जो फिगर बना दी है, जो ट्रपीजियम ए बी पैरेलल टू डीसी है ते आ डायगनल है एसी ते बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। दे स्टेटमेंट में लिख लो डायगनल एसी एंड बीडी ऑफ अ ट्रपीजियम विद ए बी पैरेलल डीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ ए बी इक्वल टू 2CD गिवन है। देखो ऑन टू फाइंड एरिया ट्रायंगल एओबी बटा एरिया ट्रायंगल सीओडी। ये दोनों एरिया निकालने पहले इनको सिमिलर करते हैं। इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, क्योंकि पैरेलल है एबीडीसी के, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 3 बराबर एंगल 4, वैसे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी लिख सकते थे, चलो एंगल 3 बराबर एंगल 4 4 बिकॉज एबी पैरेलल डीसी देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जे अल्टरनेट एंगल है 3 4 जे इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल एओबी सिमिलर टू ट्रायंगल सीओडी बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। जी अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो हमने थ्योरम अभी पढ़ी है, वी नो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और अब क्या हो जाएगा, एरिया ट्रायंगल एओबी बटा एरिया ट्रायंगल सीओडी इज इक्वल टू एबी स्क्वायर बटा सीडी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए बी स्क्वायर बटा सी डी स्क्वायर, तो ए बी कितना है 2CD के बराबर, वहां मैंने 2CD लिख दिया। 2CD का होल स्क्वायर ये बन गया 4CD स्क्वायर बटा सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कट गया, 4 बटा 1 आ गया। तो इसका एक स्टेप ऐसे लिख सकते हैं आप, एरिया ट्रायंगल एओबी रेशियो एरिया ट्रायंगल सीओडी, रेशो कहा ना उसने, तो ऐसे लिख दो 4:1 ऐसे लिख दो।